नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस ने अभी अभी अपडेट जारी किया है जिसमें कि 9018 वैकेंसीज दिखाई गई हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों जिसमें कि दिखाया गया है कि एसएससी एमटीएस 2019 की वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 18 से 25 साल एज ग्रुप की। अगर हम देखें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की, तो पंजाब रीजन में यूआर की वैकेंसी है 10, ओबीसी की है 8, एससी की 1, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस के 3। तो कुल कितनी वैकेंसी दोस्तों पंजाब में? 22। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो जनरल की 12, ओबीसी की 5, एससी की 0, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2। तो जम्मू कश्मीर में कुल कितनी वैकेंसी हो गई दोस्तों? 20। चंडीगढ़ की बात करें तो जनरल की 13, ओबीसी 2, एससी 2, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस 2। तो यहाँ पर भी कुल वैकेंसी कितनी है दोस्तों? चंडीगढ़ में भी यहाँ पर भी 20 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनरल में 14, ओबीसी 9, एससी 1, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 4। तो कुल वैकेंसी कितनी होगी हिमाचल प्रदेश में? 31। हरियाणा में कितनी होंगी दोस्तों? यूआर की 6, ओबीसी की 5, एससी 0, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1 और टोटल कितनी हो जाएंगी? 13। तो कुल कितनी वैकेंसी होगी दोस्तों? 106 नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्थ रीजन की बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ रीजन में सबसे पहले बात करते हैं स्टेट दिल्ली की। तो यूआर की वैकेंसी है 1144, बहुत ही अच्छी वैकेंसी दोस्तों। ओबीसी में 801, एससी 120, एसटी 184, ईडब्ल्यूएस 178 और टोटल कितनी होंगी? 2427। बहुत ही अच्छी वैकेंसी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना आप। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में यूआर 57, ओबीसी 44, एससी 18, एससी एसटी यहाँ भी 18, ईडब्ल्यूएस 9। तो कुल कितनी वैकेंसी हो गई? 146 राजस्थान में। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, यूआर 102, ओबीसी 73, एससी 16, एसटी 19, ईडब्ल्यूएस 24 और टोटल कितनी हो जाएंगी? 234। तो कुल कितनी वैकेंसी होगी दोस्तों? यहाँ पर देखें हम नॉर्थ रीजन में, यूआर की 1303 है, ओबीसी की 918 है, एससी की 154, एसटी 221, ईडब्ल्यूएस कितनी है दोस्तों? 211। कुल कितनी वैकेंसी है नॉर्थ रीजन में? कुल मिलाकर 2807। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं सीआर मतलब सेंट्रल रीजन पे। तो यहाँ बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जनरल की वैकेंसी है 281, ओबीसी 172, एससी 18, एसटी 60, ईडब्ल्यूएस 44। कुल कितनी वैकेंसी होगी उत्तर प्रदेश में? 575। बात करते हैं बिहार की, जनरल की 119 है, ओबीसी 32, एससी 15, एसटी 22, ईडब्ल्यूएस 20 और टोटल कितनी हो जाएंगी? 208। तो कुल कितनी वैकेंसी है सेंट्रल रीजन में दोस्तों? 783 वैकेंसी होंगी सेंट्रल रीजन में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ईआर ईस्टर्न रीजन की। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्टर्न बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जनरल में 251 है, ओबीसी में 219, एससी में 55, एसटी 49, ईडब्ल्यूएस में कितनी होंगी? 107। टोटल कितनी होंगी? 681। बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, यूआर 18 है, ओबीसी 6, एससी 4, एसटी 8, ईडब्ल्यूएस 4, टोटल कितनी हो जाएंगी? 40। झारखंड की बात करें तो दोस्तों जनरल में 14 है, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 7, ईडब्ल्यूएस 7, कुल कितनी होगी? 36। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, जनरल 22, ओबीसी 13, एससी 7, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 4, कुल कितनी वैकेंसी है? 50। और इसी के साथ हम देखें फाइनल, तो ईआर जो रीजन है ईस्टर्न रीजन, यहाँ पर कितनी वैकेंसी दोस्तों? 807 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर। यहाँ पर देखते हैं हम आसाम को। आसाम में जनरल में 22, ओबीसी 12, एससी 5, एसटी 11, ईडब्ल्यूएस 3, टोटल कितनी हो गई? 53। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है। मणिपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है, सब जीरो है। नागालैंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक वैकेंसी है जनरल की और एक वैकेंसी है एसटी की, तो कुल यहाँ पर केवल 2 वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में 22 वैकेंसी जनरल की हैं, ओबीसी में 14, एससी में 4, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल कितनी वैकेंसी हो जाएंगी दोस्तों? 50। मिजोरम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। त्रिपुरा की बात करते हैं, जनरल की 9 है, ओबीसी 3 है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, एसटी 1 है,
EWS एक है, टोटल कितनी वैकेंसी होगी दोस्तों 14। तो इसी के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी कितनी दोस्तों कुल मिलाकर 119। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं MPR रीजन पर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनरल में है 49, OBC 9, SC 9, ST 17 और EWS में कितनी है दोस्तों 9। टोटल वैकेंसी कितनी है 93। छत्तीसगढ़ की बात करें, UR में 9 है जनरल में, OBC 7, SC 1, ST 1, EWS भी 2 हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है 20। तो कुल वैकेंसी कितनी होगी दोस्तों MPR में 113। चलिए चलते हैं वेस्टर्न रीजन पर। वेस्टर्न रीजन पर आ गए दोस्तों, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। जनरल में 735 वैकेंसी हैं, OBC में 353, SC में 122, ST में 103, EWS 34। टोटल कितनी दोस्तों 1347 वैकेंसी है। दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में ही है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, 133 जनरल में है, 57 OBC, SC 34 हैं, ST 18 हैं, EWS 7 और टोटल वैकेंसी कितनी दोस्तों गुजरात में 249। आप देख रहे हैं, गोवा की बात कर लेते हैं। जनरल में 5 हैं, OBC 2 हैं, SC 0 और ST भी 0, EWS भी 0, तो कुल मिलाकर 7 वैकेंसी। देन अगर हम देखें वेस्टर्न रीजन में कुल वैकेंसी कितनी दोस्तों 1603 वैकेंसी हैं वेस्टर्न रीजन में। चलिए साउथर्न रीजन पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, जनरल में 3 है, OBC 1 है, SC 1 है, ST 1 है, EWS 0। कुल वैकेंसी कितनी होगी दोस्तों 6। तेलंगाना की बात करें तो UR 5, OBC 132, SC 76, ST 37, EWS 50 और टोटल वैकेंसी कितनी दोस्तों 500। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, 127 जनरल की हैं, OBC 79, SC 46, ST 9, EWS 30। कुल वैकेंसी कितनी दोस्तों 291। अगर फाइनल देखें तो साउथर्न रीजन में कुल वैकेंसी कितनी दोस्तों 797। ठीक है, KKR देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ कर्नाटका में है 70 वैकेंसी जनरल की, OBC की है 49, SC की है 9, ST की है 8, EWS 15। टोटल कितनी वैकेंसी दोस्तों 151। केरला देख लेते हैं, UR 44 है, OBC 28 है, SC 11 है, ST 4 है, EWS 9 है और कुल वैकेंसी कितनी होगी 96। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो अगर देखें KKR में फाइनल कितनी वैकेंसी टोटल 247। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एज ग्रुप है, एक बार एक नज़र में देख लेते हैं सबको 1825 जो एज ग्रुप है कुल कितनी वैकेंसी एक साथ देख लेते हैं। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 106 हैं, नॉर्थ रीजन में 287 हैं, CR में सेंट्रल रीजन में 783 हैं, ER में 807 हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 119 हैं, MPR में 113 हैं, वेस्टर्न रीजन में 1603 हैं, साउथर्न रीजन में 797 हैं और KKR में 747। तो कुल वैकेंसी कितनी दोस्तों 7382 जो कि 1825 एज ग्रुप की हैं। ठीक है दोस्तों, 7382 वैकेंसी 1825 एज ग्रुप की हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम 18-27 एज ग्रुप पर। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पर देखें हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में तो यहाँ पर जो कुल वैकेंसी है यहाँ की कुल वैकेंसी 26। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर कि पंजाब में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप नॉर्थ रीजन में दिल्ली की बात करें तो 752 वैकेंसी हैं, जहाँ पर जनरल की 295 हैं, OBC 305 हैं, SC 10 हैं, ST 76 हैं और EWS 66 हैं। राजस्थान में जनरल की 5 हैं, OBC की 5 हैं, SC 1 है, ST 1 है, EWS 2 हैं। टोटल कितनी वैकेंसी हैं 14। उत्तराखंड की जनरल 6 हैं, OBC 5 हैं, SC 2 हैं, ST 2 हैं, EWS 3 हैं। तो कुल कितनी होगी दोस्तों 18। यहाँ पर हम देखें नॉर्थन रीजन की तो 784 वैकेंसी 18-27 एज ग्रुप की। अगर चले हम सेंट्रल रीजन पर, उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो जनरल की 55, OBC 20, SC 11, ST 8, EWS 15। कुल वैकेंसी कितनी है 109। ठीक है दोस्तों, बिहार की बात करें तो UR 22 है, OBC 9 है, SC 6 है, ST 4 है, EWS 8 है। टोटल 49 वैकेंसी हैं। अगर हम देखें सेंट्रल रीजन टोटल तो 158 वैकेंसी दोस्तों। ईस्टर्न रीजन देख लेते हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 61 वैकेंसी हैं, ओडिशा में 39 हैं और झारखंड सिक्किम अंडमान निकोबार में कोई वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर 18-27 एज ग्रुप में ईस्टर्न रीजन की 100 वैकेंसी हैं। चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आसाम में है, जनरल की 22, OBC 6, SC 4,
ST 3 और EWS 5, और बाकी सभी राज्य में कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर कुल वैकेंसी कितनी दोस्तों, 51 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। MPR में देखें तो मध्य प्रदेश में 231 वैकेंसी दोस्तों, जनरल की 120 हैं, OBC 61 हैं, ST 23 हैं और ST 11, EWS 16। छत्तीसगढ़ में केवल 7 वैकेंसी है जिसमें जनरल की 5 हैं। तो कुल मिलाकर वैकेंसी कितनी दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर 238 वैकेंसी MPR रीजन की 18 से 27 एज ग्रुप की। चलिए वेस्टर्न रीजन पर चल लेते हैं, तो महाराष्ट्र की देखते हैं दोस्तों, तो 121 वैकेंसी हैं जिसमें जनरल की 40, OBC 58, ST 5, ST 9 और EWS भी 9 हैं। गुजरात की दोस्तों 37 वैकेंसी हैं, जनरल की 13, OBC 10, ST 4 और ST 3, EWS की 7 हैं। गोवा की केवल 5 वैकेंसी हैं जिसमें से जनरल की 2 हैं, OBC 1, ST 0, ST 1 और EWS भी 1 है। तो कुल मिला के कितनी वैकेंसी दोस्तों वेस्टर्न रीजन में 18 से 27 एज ग्रुप की, 163। ठीक है, साउथर्न रीजन में देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, तेलंगाना में कुल 12 वैकेंसी हैं, तमिलनाडु पुडुचेरी में 39 वैकेंसी जिसमें जनरल की 17 हैं। ठीक है दोस्तों, KKR में देख लेते हैं, जहां पर कर्नाटका में 32 वैकेंसी हैं, जनरल की 19 हैं। ठीक है, केरला में देख लेते हैं दोस्तों, केरला में 17 वैकेंसी जनरल की हैं, कुल मिलाकर 32 हैं। तो लक्षद्वीप में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, इसके साथ कुल वैकेंसी KKR में कितनी दोस्तों, 65। अब देख लेते हैं टोटल एक साथ 18-27 एज ग्रुप का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1636 वैकेंसी हैं 18-27 एज ग्रुप की। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें कुल मिला के फाइनल वैकेंसी की 18-25 और 18-27 एज ग्रुप की, तो 18-25 एज ग्रुप की वैकेंसी है दोस्तों, जनरल की 3502 हैं, OBC की 2145 हैं, ST की 576, ST की 594, EWS की 574। तो कुल कितनी वैकेंसी दोस्तों, 7382। 18-27 एज ग्रुप में देखें तो UR 706 हैं, OBC 534, ST 94, ST 139, EWS 165। कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी दोस्तों, 1636। तो यहाँ पर कुल वैकेंसी कितनी आती है, 918। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी आती हैं, सॉरी 9118 वैकेंसी कुल हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा 2020 में आने वाली वैकेंसीज की। तो बात कर लेते हैं दोस्तों SSC MTS की 2020 में आने वाली वैकेंसीज की। इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है दोस्तों 2 जून 2020 को। ठीक है, अगर इसके स्टार्ट देखें, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके स्टार्ट होने वाले एप्लीकेशन 2 जून 2020 से, और क्लोज कब होंगे, 15 जुलाई 2020 को। इसका पेपर वन होने वाला दोस्तों 26 अक्टूबर से 13 नवंबर 2020 तक, और सेकंड पेपर की जो एग्जैक्ट डेट दी गई है इसमें 1 मार्च 2021, मतलब 1 मार्च 2021। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,